Hello everyone, today in this video we'll discuss our new topic, classification of animals on the basis of their eating habits. So eating habit ke base par jo animals hain unko 5 category mein divide kiya gaya hai, herbivorous, omnivorous, herbivores, carnivores, omnivores, parasites, scavengers. So, consumers or heterotrophs, which are mostly animals, cannot prepare their own food and depend on plants and other animals for their food requirements. Heterotrophs have varied food habits. Based on their food habits, animal classified as follows: herbivores, carnivores, omnivores, parasites and scavengers. Okay, herbivores, carnivores and omnivores, aur uske alawa hamare parasites aur scavenger bhi animals jo hai is category mein bhi aate hain. To jo consumers ya hum jise heterotrophs kehte hain, jo upbhokta hote hain, theek hai, ya fir apne bhojan ke liye, apne food ke liye dusron pe nirbhar karte hain, jo matlab jo animals hai wo apna food khud se prepare nahi kar sakte, to kya keh raha hai ki unki jo food ki requirement hai use wo dusron se lete hain. To is base pe jo hai animals ko 5 category mein rakha gaya hai: herbivores, herbivorous yani ki shakahari, carnivorous मांसाहारी, omnivorous सर्वाहारी, parasites परजीवी and scavenger जो होते हैं वो होते हैं हमारे जो dead decaying matter को feed करते हैं, ठीक है, और हमारी जो environment है, ठीक है, उसे clean करते हैं. तो ऐसे animal जो dead and decaying body animals को feed करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए जो herbivores हैं, क्या कह रहा है कि क्योंकि हाँ herbivores क्यों कहते हैं, herbs खा रहे हैं, शाकाहारी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि plant या plant product को खाते हैं, तो that is called herbivores animals, herbivorous, ठीक है. तो जो herbivores animals होते हैं उनके front teeth जो होते हैं plant और plant part यानी कि जो tough leaves होती हैं, ठीक है, और जो उसके tough parts होते हैं plants के, तो उसको bite करने के लिए उनके जो front teeth हैं वो flat होते हैं. और ग्राइंडिंग टीथ उनके कैसे होते हैं, वाइड होते हैं, दे हैव वाइड ग्राइंडिंग टीथ, जो क्या हेल्प करते हैं उनकी ग्राइंड करने में प्लांट पार्ट्स को चबाने के लिए, ठीक है. तो जो हर्बीवोर्स होते हैं इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इस तरह का बना होता है ताकि उसके अंदर क्या हो, जो प्लांट में प्रेजेंट होती है सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज जो प्रेजेंट होती है उसका ब्रेक डाउन हो सके. अब आप सोच रहे हैं कि सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है ये. और इसको जो है ओनली एनिमल की बॉडी ही डाइजेस्ट कर सकती है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है बहुत ही हार्ड फॉर्म में होता है सेलुलोज, ठीक है. तो इसका ब्रेक डाउन जो है नॉर्मली जैसे ह्यूमन्स में आपने पढ़ा था उसमें जो होता है कुछ जूस सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, एंजाइम्स जो क्या करते हैं फूड को जो हम लेते हैं उसे ब्रेक डाउन करते हैं. बट यहाँ पे जो क्या है वो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें आपने स्टार्च शुगर के बारे में बताया, तो ठीक है वो उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है कंपेरिजन टू दिस सेलुलोज. तो इसलिए क्या होता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कुछ अलग तरह का बना होता है. और ये सिर्फ क्या है जिसे हम रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोर्स भी हम कह रहे हैं, तो ये उन्हीं के मतलब उन्हीं की बॉडी में होता है, तो इसलिए ये आसानी से क्या कर सकते हैं, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा कार्निवोरस, एनिमल्स दैट ईट अदर प्लांट, अदर एनिमल्स, फॉर एग्जांपल लायन, लिजर्ड एट्सेट्रा. तो ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, एनिमल फ्लैश को. सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, कार्निवोर्स या कार्निवोरस, ठीक है. तो मांसाहारी इनका एग्जाम्पल क्या है, हमारा लायन हो गया, ठीक है, टाइगर है और लिजर्ड है और लेपर्ड है, वॉल्फ है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कार्निवोरस हैं, ठीक है. और इनके जो इन एनिमल्स के जो टीथ होते हैं बहुत ही शार्प, ठीक है, बहुत ही शार्प होते हैं, तेज, ठीक है. और कह रहा है पॉइंटेड टीथ होते हैं इसमें क्या करने के लिए, टीयर फ्लैश,
ठीक है, इनके जो शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं उससे ही क्या कर सकते हैं, उस फ्लैश को क्या कर सकते हैं, चीर फाड़ सकते हैं, फ्लैश द टीयर द फ्लैश, ठीक है, जो मांस होता है उसको चीर फाड़ने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ओमनीवोरस, यानी कि मांसा नहीं सॉरी सर्वहारी एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, यानी कि जो प्लांट भी प्लांट फॉर्म में भी अपना फूड लेते हैं और एनिमल फॉर्म में, एनिमल के फ्लैश के फॉर्म में भी लेते हैं, यानी कि दोनों को ही फीड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल डॉग, बियर, ह्यूमंस एट्सेट्रा। तो ये एनिमल्स कैसे होते हैं, क्योंकि सभी चीज़ खा रहे हैं तो इसलिए सर्वाहारी हो गए। और जैसे ह्यूमन है, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन भी आपके आपको पता है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों होता है। तो कॉकरोच है और आपका बियर है, ठीक है, ये सारे के सारे आपके एनिमल्स जो हैं ये सब ओमनीवोर्स की कैटेगरी में होते हैं। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है पैरासाइट्स, यानी कि परजीवी। तो एनिमल्स दैट गेट दियर फूड बाय लिविंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ली, स्टेप वॉर्म एट्सेट्रा, ठीक है। पैरासाइट ऐसे जीव हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर या बाहर प्रेजेंट हो सकते हैं, जो जिसकी बॉडी के अंदर या बाहर प्रेजेंट है ये वो होता है हमारा होस्ट, ठीक है, होस्ट की बॉडी के इनसाइड या फिर आउटसाइड हो सकता है, जैसे कि लीस है, ठीक है, टैप वॉर्म है। तो ये सारे के सारे जो भी जीव हैं, तो हमारा जो क्या है पैरासाइट होता है, ठीक है, जो पैरासाइट परजीवी है ये होस्ट की बॉडी के अंदर या बाहर हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दियर प्रेजेंस पैरासाइट्स विच लिव एक्सटर्नली ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, यानी होस्ट की बॉडी के बाहर रहता है, तो वो कहलाते हैं आपके एक्टो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट, ओके, यानी कि बाह्य परजीवी, फॉर एग्जाम्पल लीस, ठीक है। तो दूसरा यानी कि जो हमारे पैरासाइट है वो भी टू टाइप्स होते हैं, एक तो हमारा एक्टो पैरासाइट हो गया, नेक्स्ट दूसरा हमारा होता है एंडो पैरासाइट, ठीक है, एंडो पैरासाइट यानी कि अंतः परजीवी, ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, एंडो पैरासाइट अंतः परजीवी, ठीक है। तो जो अंतः परजीवी हैं इनके हमारे एग्जांपल हैं टैप वॉर्म है, हुक वॉर्म है, या फिर आपका प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम आपने सुना होगा कि जो ये पैरासाइट होता है इसे हम मलेरिया पैरासाइट भी कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम। तो ये हमारा मलेरिया पैरासाइट है, जो हमारी बॉडी में मलेरिया हो जाता है तो वो क्या होता है, उस जो मॉस्किटो होता है उसके अंदर जो भी क्या होता है वो उसके अंदर से जो हमारी बॉडी में वो इंजेक्ट करता है, ठीक है, तो वो मलेरिया पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम जो होता है ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या हो जाता है, मलेरिया के लक्षण आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट स्कैवेंजर्स, ठीक है। अब स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, एनिमल्स दैट फीड ऑन द डेड एंड डेड बॉडीज एंड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, डेड बॉडी एनिमल्स को जो फीड करते हैं यानी जो मृत जीवियों को खाते हैं, ठीक है, और उससे हमारे हमारा जो एनवायरमेंट है उसे क्लीन करते हैं, वल्चर एंड जैकॉल एटसेट्रा। सो स्कैवेंजर्स आर एनिमल्स दैट कंज्यूम डेड ऑर्गेनिज्म एंड हैव डाइड फ्रॉम कॉजेज अदर देन प्रेडेशन। डीकम्पोजर एंड डेट्रीवोरस कंप्लीट दिस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं, By consuming remains, यानी कि जो scavengers हैं उनके through छोड़े हुए अवशेष जो बच जाता है उसे ये feed करते हैं, यानी कि जो हमारे decomposer और detrivores होते हैं, ठीक है, अपमार्जक और अपादानकर्ता, ये क्या करते हैं, इसको पूरी तरह से क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं। और ये क्या है, हमारे fluctuations of food, ठीक है, जो हमारा क्या है, scavengers add in overcoming fluctuations of food resources in the एनवायरमेंट। अब ये कह रहे हैं कि जो ये अवशेषों को खा करके इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, ठीक है, कौन, डिकम्पोजर्स एंड डेट्रिटिवोरस, तो ये इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा जो एनवायरमेंट है, ठीक है, उसमें जो खाद्य संसाधन के उतार चढ़ाव पर काबू पा सके, ठीक है, तो इसके लिए ये हमारी हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करते हैं इसमें, हमारे जो ये हैं क्या करते हैं, डीकम्पोजर्स एंड डेट्राइटिवोरस, ठीक है, डेट्राइटिवोरस। तो ये क्या करते हैं,
हमारे एनवायरनमेंट में जो भी खाद्य संसाधनों के उतार चढ़ाव, तो उसको ये बैलेंस करने के लिए हेल्प करते हैं. सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. आई होप वट एवर यू हैव बीन टॉट टुडे यू मस्ट अंडरस्टूड वेल. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अवर न्यू टॉपिक. इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई न्यू अपकमिंग वीडियोज. टिल देन बाय बाय. थैंक यू.